हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज सपना एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑल ऑफ यू। आजकल जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, सो आई हैव कम अप विद दैट वेदर द न्यूज़ इज़ फेक और जेन्युइन। क्या ये जेन्युइन है? जो भी न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, दैट इज़ ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया पोर्टल्स, आपको ट्विटर पे भी देखने को मिलेगा। सो पहले भी एक न्यूज़ आई थी विच वॉज रिलेटेड टू कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फेक रिजल्ट अपलोड किया है, दे आर बींग डिपोर्टेड फ्रॉम द एयरपोर्ट ओनली। सो ये क्लिप्स जो थी वहाँ पर दिखाई गई थी, दैट वॉज फॉल्स, वो नहीं था। एंड इट वॉज क्वाइट लेट बैक, ये काफ़ी पुरानी वीडियो है जो न्यूज़ है। लेकिन जो अभी रिसेंट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, रिसेंट पोस्ट जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू सम अदर थिंग, दैट इज़ 119 स्टूडेंट्स जो हैं दे आर बींग डिपोर्टेड फ्रॉम द एयरपोर्ट फ्रॉम कैनेडा, बिकॉज उन्होंने वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ करी है, कुछ हार्म पहुँचाने की कोशिश करी है। सो ये इट इज़ रिटन ओवर देयर, दोज हु हैव 119 स्टूडेंट्स दे आर कमिंग बैक फ्रॉम 5 सितंबर, उनको वापस पंजाब भेज रहे हैं। एंड व्हाई दिस इज सो, बिकॉज दे हैव मेड प्रॉब्लम्स, दे हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ इनजस्टिस। आप ऐसा अगर कर रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है जो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं। सो काइंडली डोंट डू लाइक दिस। सो ऑल द बेस्ट गाइज, इसको चेक करते रहें।